नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 का एग्जाम नज़दीक है, इसके ध्यान में रखते हुए अभी इस वीडियो में बात करेंगे कृषि प्रवेशक बनने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है। इस वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के पास। अब बात करें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 के मात्र 45 दिनों में कैसे बने कृषि प्रवेशक, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो भी आपके डाउट है वो डाउट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करने हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 या इसका एग्ज़ाम 4 फरवरी 2024 को होगा, इसके लिए इस पेपर की कौन कौन सी जो बेस्ट बुक है उसके बारे में थोड़ा सजेशन देना चाहता हूँ। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर करना है जो बुक से रिलेटेड हो। इसके अलावा बात करते हैं 11th एग्रीकल्चर की, ये बुक आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है। उसके बाद हम बात करें तो ये 12th एग्रीकल्चर की ये बुक है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है। उसके अलावा बात करें हिंदी के 15% आते हैं, उसकी बात करें तो हिंदी की राघव प्रकाश की जो 15% इसी बुक में से आपको आने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करें तो राजस्थान जीके के 25% आएंगे, वो आपके इसी सिक्वाल पब्लिकेशन जो राजस्थान की मानचित्र लिए ये बेस्ट बुक है। इसके अलावा 60% आएंगे जो एग्रीकल्चर के आएंगे, 40 40, और बात करें तो 40% आएंगे एनिमल हजबेंड्री और एग्रोनॉमी, 20% आएंगे हॉर्टिकल्चर के। ऐसे करके 20 20 करके 60 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन एनिमल हजबेंड्री के, 20 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के, 20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, ये आपके एग्रीकल्चर का ऐसे करके टोटल 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो और वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि ये बेस्ट बुक है हिंदी की, इसके अलावा आपको कोई भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको लास्ट में बेस्ट से बेस्ट तैयारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन करना है। रिविजन के साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट देना है या MCQ जो भी प्रश्न है आप वो निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ बेस पर आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको अभी से ही कोई भी बुक लाकर MCQ की वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। अगर आपका अभी तक कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको कोर्स पूरा करने की आवश्यकता है, उसके बाद में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।